ओके सो अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। चलो समीक्षा आप सुन लो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे और कुछ और बच्चे भी हैं जो एक दो दिन लेट से ज्वाइन किए थे, तो सारे बच्चे सुन लो। सबसे पहले फिजिक्स में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जितने भी टॉपिक थे मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। मैं एक शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, ये मैंने समझाया था। इसके बाद मैंने पढ़ाया था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको पढ़ाया था। इसके बाद जो अपना टॉपिक आया था वो आया था कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मैंने वो भी आपको समझा दिया था। उसमें टोटल तीन लॉज थे, लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ एरिया एंड लॉज ऑफ पीरियड, ओके तीन थे। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, उसको अच्छे से हमने किया था। इवन उसमें हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिला था और उस फॉर्मूले पे हमने दो तीन न्यूमेरिकल्स किए भी थे। एक दो न्यूमेरिकल आपको होमवर्क भी दिया था और आपने किया भी था। ये पढ़ने के बाद हम पढ़े थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 और उसकी वैल्यू अर्थ पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ पे भी जैसे ऊपर हम हाइट पे जाते रहते हैं जी की वैल्यू कम होती है, नीचे जाते हैं तो भी कम होती है, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है। मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाया था। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद मैंने एक साथ कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट, यस और नो, मास और वेट में क्या कंपैरिजन है, मून पर हमारा वेट कितना होगा, अर्थ पे कितना होगा, ये सारी चीजें हमने देखा था। इसके बाद न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था फ्री फॉल। आपके बुक के अकॉर्डिंग वो फ्री फॉल था लेकिन मैं उसको अलग नाम देता हूँ, मैं उसको नाम देता हूँ मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन मतलब वो एक तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही था आप सबने पढ़ा था। वो तीनों हॉरिजेंटल मोशन के लिए था, वर्टिकल मोशन के लिए क्या था ये मैंने आपको इस बार समझाया। उस पर बेस्ड हमने तीन चार न्यूमेरिकल्स किए भी थे, मैंने कम ही किए थे, ज्यादा आप लोग को समझा दिया था अच्छे से, तो आप सबने खुद से कर लिया था, सबने कर लिया था ना, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन कर लिए थे, फ्री फॉल वाला क्वेश्चन। सारे बच्चे मैसेज करो किसी को किसी न्यूमेरिकल में डाउट हो, वैसे हम आज भी करने वाले हैं, आज और सैटरडे, ठीक है। हाँ सबने किया था, सब कुछ समझ में इवन आया था, ठीक है, सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला समझाने में मैंने काफी टाइम दिया था। नॉर्मली ये होता है कि स्कूल में या नॉर्मली नाइन्थ क्लास में ना टीचर इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, बस फॉर्मूला बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं और सॉल्व कराने लगते हैं, तो जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना उसे हम मिस कर जाते हैं। टीचर भी पढ़ाते हैं लेकिन ज्यादातर बच्चों पर ना ध्यान दिया जाता है इलेवेंथ से, आपके टीचर को भी आता है, ऐसा नहीं कोई नहीं आता, बट वो नाइन्थ टेंथ में थोड़ा लाइटली लेते हैं बच्चों, है ना, नहीं पढ़ाते हैं, बट वो चीज आपको इलेवेंथ में वही टीचर आपको पढ़ाएंगे लेकिन नाइन्थ में नहीं पढ़ाते, नाइन्थ टेंथ में। तो वैसे भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको टेंथ में, अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी में आपको वो सेम चीजें क्लास नाइन्थ में ही पढ़नी है, ठीक है, इसलिए मेरे दिमाग में बार बार नाइन्थ का आ जाता है। तो फ्री फॉल का हमने न्यूमेरिकल किया था, इसके बाद हमने दो इम्पॉर्टेंट, हाँ एक और टॉपिक किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला था कि आज तक आपने जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना MGH, वो एक्चुअल में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। MGH तो उसका राउंड में हम उसको फॉर्मूले को बोल देते हैं, उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है माइनस GMM अपॉन R, इज इट क्लियर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि उसकी वैल्यू निगेटिव क्यों होती है। इसके बाद दो टॉपिक रह गया था, उसके बाद दो रह गया था, उन दोनों को मैंने पढ़ाया था। एक क्लास में मैंने समझाया था स्कैप वेलोसिटी या स्कैप स्पीड, और सेकंड क्लास में समझाया था ऑर्बिटल स्पीड। ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और समीक्षा आपको अगर क्लासेस देखने हो, वैसे लास्ट में जब सब हो जाए तो आपको बैकअप क्लास दिया जाएगा इस चैप्टर का, अदरवाइज आप चाहो तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो जाकर के आप देख सकते।
बेटा मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए बोला था, बता देने के लिए, आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बीच में जो इंटरप्शन आया ना, उसके पहले मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था, बट जैसे उस वक्त इंटरप्ट हुआ उसके बाद की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई है। चलो वैसे भी आज हमें कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है, ठीक है, आज तो हम सिर्फ एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। प्लीज़ आप लोग याद दिला देना बेटा, आप लोग के पास वहाँ पे मैसेज आता है कि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लीज़ बता दिया करो, दिक्कत हो जाती है। सेकंड हो गया, नहीं भी हुआ तो मैसेज करो। लिखते रहो, ट्राइंग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते रहो। सेकेंड डन, आ गया 2 MA, वेरी गुड सारंग, आप थोड़ा पहले से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, नेक्स्ट करो थर्ड, सारे बनेंगे, ये सारे मुझे बताने पड़ते आप लोगों को, अगर मैं फास्ट पढ़ा देता ना सारे टॉपिक, जल्दी जल्दी समझा देता, आप लोग से न्यूमेरिकल नहीं बनता और सारे न्यूमेरिकल मुझे करना पड़ता, इसीलिए मैं हमेशा पढ़ाने पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ठीक है, डेरिवेशन अच्छे समझाता हूँ, फॉर्मूले, ताकि क्वेश्चन आपसे खुद बन जाए, अब 5 नहीं आप 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, और अगर मैं सिर्फ आंसर बताता तो आपको जो 7-8 न्यूमेरिकल इसके आंसर बता देता, आप उसमें खुश हो जाते हैं। समीक्षा ने ज्वाइन की है आज, समीक्षा आपको क्लास समझ में आ रही है? समीक्षा यस, चलो ठीक है, आज वैसे मैंने पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा ग्रेविटेशन लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था, आज एक्सरसाइज करके सैटरडे के दिन टेस्ट दे रहे हैं, सो जनरली शुड बी यूज जी को 9.8, हम बेटा वैसे 9.8 हमें लेना है, अगर 10 लेना हो तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, सुनो, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन ध्यान दो आप लोग, इंस्ट्रक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिले, जैसे मैं भी आपको 10 ऑब्जेक्टिव दूंगा, तो उस केस में ध्यान देना, आप जी इक्वल टू 10 लेके सॉल्व करना, क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचेगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा, और जो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ना, वो चारों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होंगे, तो ऑब्वियसली आपने 9.8 की जगह 10 लिया, तो जो आंसर है ना वो थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट इधर उधर होगा, तो अप्रोक्सीमेट करके ऑप्शन टिक कर देना, आई थिंक समझ में आ गया होगा, जैसे सोचो ना, एक आंसर है 8, एक है 10, एक है 12, एक है 14, अगर आपने 9.8 लिया तो ये आंसर आएगा, बट अगर आपने 10 लिया तो आपका आंसर हो सकता है कि आ जाए 10.1, तो आप आंसर तो टिक कर ही दोगे सही, आपका टाइम कितना बचा, समझ में आ रहा है, लेकिन जहां सब्जेक्टिव करोगे तो बाय डिफॉल्ट 9.8 लेना है, 10 सिर्फ उसी जगह पे लेना है जहां पे क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा। सारंग को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ऑब्जेक्टिव में आंसर कैसे आया किसी को मतलब नहीं होता, सिर्फ सही होना चाहिए, चाहे आपका तुक्के में सही हो, किस्मत अच्छी थी इसलिए सही हो, मैटर ही नहीं करता वो चीजें। बच्चों बाकी के देख लो क्वेश्चंस, तो थर्ड वाला भी बन जाएगा, सेकंड बन गया हो तो थर्ड करो, मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 एंड इतना, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून,
मास तो सेम रहेगा, वेट को बस 6 से डिवाइड कर दो, तो 49/6 जो भी आएगा 8.17 कर दो, ये भी बन जाएगा। एन ऑब्जेक्ट थ्रोज वर्टिकली अपवर्ड रीच हाइट ऑफ इतना, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। इसमें दो दो चीजें निकालनी है, ठीक है। एक तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यू निकालनी है और टोटल टाइम भी निकालना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन करो सारे बच्चे, फिफ्थ का डी। डी सॉल्व, वेरी गुड कृष्णा, बहुत अच्छे आंसर आ गया है ना, आएगा आंसर, बिल्कुल चिंता मत करो। दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो दो चार क्वेश्चन को ना मैं टेस्ट में दे दूं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैंने टेस्ट में दे दिया है, तो आप लोग उसमें सॉल्व कर लेना। व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर, बेटा ये तो आप लोग डिसाइड करते हो, मेरी मर्जी थोड़ी चलती है, जो आप लोग बोलते हो वही कराता हूं मैं। लेकिन थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे कुछ आपको एडवाइस देना चाहूंगा, उसके अकॉर्डिंग करना तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग ट्यूसडे को ही डिसाइड करें, चलो मन हो तो आज भी बता दो, सब लोग अपना चॉइस बताओ, लास्ट में मैं अपना चॉइस बताऊंगा। सारे लोग अपने चॉइस के चैप्टर का नाम बताओ, इसके बाद क्या पढ़ना चाहते हो फ्रॉम ट्यूसडे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट हीट हीट, बाकी बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, लड़कों को मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, लड़कियों को हीट पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट हीट। ओके, लाइट के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है, चलो ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी वी शुड स्टार्ट, अच्छा देखो एक को लाइट भी बोल दिया कृष्णा, चलो ठीक है, लाइट का तो एक ही वोट पड़ा कृष्णा, है ना। हालांकि मैं इंटरेस्टेड था लाइट पढ़ाने में, मेरा चॉइस लाइट था, बट चलो आप लोग जो कहते हो, तो आप में से वेटेज किसका ज्यादा है कृष्णा, काउंट करो तो ज्यादा लोगों ने कौन सा चैप्टर बोला है, मेजॉरिटी ने, आपका तो हुआ नहीं चॉइस, आप कम से कम काउंट कर लो योर ओपिनियन। मैं सोच रहा था बेटा लाइट, क्योंकि लाइट एक्चुअल में बहुत बड़ा है, लाइट से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में दो चैप्टर है, ठीक है, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तीन चैप्टर। अच्छा, मेजॉरिटी हीट को लेकर के है, चलो तुम लोग बता देना, ट्यूसडे को सब फाइनल कर देंगे कौन सा पढ़ाना है, ठीक है। लाइट में क्या था कि आपको जो 10th का पार्ट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, तुम भी, अच्छा तुम अब अपना वोट चेंज कर रहे हो, है ना कृष्णा। चलो बच्चों, वो हम लोग ट्यूसडे को डिसाइड करेंगे, मुझे कोई भी बोलोगे मैं कोई भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लेना। और सारे न्यूमेरिकल इसके आपको करने हैं, ये भी आपका असाइनमेंट है, लेकिन ये वाला असाइनमेंट आपका है संडे के दिन, आराम से घर पे कर लेना, इज इट क्लियर। और पूरे असाइनमेंट का पीडीएफ बना करके मुझे भेजोगे, इज इट क्लियर, जल्दी से मैसेज कर दो। तो चलो सैटरडे के दिन हम लोग क्लास नहीं करेंगे, सैटरडे के दिन सिर्फ अपना टेस्ट होगा। टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी, आप लोग दोपहर के बाद इवनिंग में कभी भी रेडी रहना, मैं कभी भी टेस्ट अनाउंस कर सकता हूं, इज इट क्लियर। तो चलो आज की क्लास यहीं पे, बट अब वो डिसाइड करेंगे ना, मैंने अभी तक 10 ऑब्जेक्टिव सेट किया, थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है, फिर मैं बता दूंगा उसी दिन, इसके लिए टेंशन मत लिया करो, ठीक है, बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।